नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, भड़काऊ बयान के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली से बड़ी खबर, भड़काऊ बयान के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। नुपुर शर्मा, सबा नकवी, नवीन जिंदल समेत 6 पर FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस की इफ्सो यूनिट ने केस दर्ज किया है। अलग अलग प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही और उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है एक टेलीविजन डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए। पूरे देश भर में उनके इस टिप्पणी को लेकर विशेष समुदाय लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, उबाल देश में फूट रहा है। वहीं नवीन जिंदल, जिन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली पुलिस की इफ्सो यूनिट ने केस दर्ज किया है, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, सभा सहित अन्य के खिलाफ अलग अलग प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ भड़काऊ बयान के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। भड़काऊ बयान के मामले में ये पूरा वाक्य सामने आया। नुपुर शर्मा, सभा नकवी, नवीन जिंदल समेत 6 पर FIR दर्ज की गई है। 6 पर FIR दर्ज की गई है और पुलिस की इफ्सो यूनिट ने केस दर्ज किया है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप इन सभी पर लगा है। किसी ने टीवी पर टिप्पणी की तो किसी ने सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी का समर्थन किया और आपत्तिजनक पोस्ट भी किए। इस मामले में पार्टी ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है और अपनी तरफ से कार्रवाई भी की, लेकिन वहीं पुलिस भी अपना काम कर रही है और कानूनी जो तमाम दांव पेंच है अब वो भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की इफ्सो यूनिट ने केस दर्ज किया है नुपुर शर्मा, सभा नकवी, नवीन जिंदल के खिलाफ और 6 अन्य के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। अलग अलग प्रावधानों के तहत इन पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भड़काऊ बयान मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दिल्ली संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से पूरे देश में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उबाल था, नवीन जिंदल के पोस्ट को लेकर लगातार निंदा की जा रही थी, अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी बड़ा एक्शन लिया है। क्या कुछ बातें FIR में कही गई हैं और क्या ये माना जाए कि जल्द ही गिरफ्तारी भी संभव है? लिस्ट में और कौन कौन से नाम शामिल है FIR की? देखिए, बिल्कुल सोशल मीडिया पर हेट मैसेज भरने को लेकर ये निगरानी रखते हुए नजर आ रही थी और बड़ा एक्शन जो है लिया गया, जिसमें 9 लोगों के खिलाफ FIR जो है दर्ज की गई और जिसमें सबसे प्रमुख नाम जो निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर पिछले दिनों टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा, जिनको बीजेपी ने निष्कासित भी किया था, उनका नाम है। नवीन कुमार जिंदल बीजेपी के नेता हैं, उनका नाम है। इनके अलावा शादाब चौहान, सभा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान समेत 9 लोगों के नाम जो है इसमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जो है लगातार हेट स्पीच को लेकर ये निगरानी दिल्ली पुलिस की जो IFSO की सेल है उसकी तरफ से रखी जा रही थी। तो ऐसे में हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए इनको जो है तमाम जो नेता है उनको जो है बुलाया जाए। नेताओं के अलावा जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी इस लिस्ट में जो है शामिल है। तो जितनी अभी बात रहेगी अब दिल्ली पुलिस इसमें किस तरीके से आगे बढ़ती नजर आएगी। पहले पूछताछ के लिए नेताओं को बुलाया जा सकता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया जा सकता है और उसके बाद हो सकता है कि आगे आने वाले समय में फर्दर एक बात हमसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी की शिकायत के आधार पर जो पुलिस है वो FIR दर्ज करती है, लेकिन इस मामले में यहाँ दिल्ली पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, क्या सिस्टम फॉलो किया है? क्या पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इन 9 पर FIR दर्ज कर ली या फिर किसी और का नाम भी इसमें शामिल हो रहा है जो जिसने शिकायत दर्ज कराई है? देखिए, दिल्ली पुलिस की जो विशेष शाखा है इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन की IFSO की, वो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग जो है खुद करती हुई नजर आ रही थी और स्वतः संज्ञान ये दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया गया और उसके बाद इन तमाम लोगों पर जो केस है वो जो है जो IFSO की टीम है दिल्ली पुलिस की उसकी उस तरफ से जो है किया गया और उसमें विभिन्न समूहों को उकसाकर शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति पैदा ना हो इसको लेकर एहतियातन कदम जो है दिल्ली फिलहाल ये दिल्ली पुलिस की तरफ से केस दर्ज करके उठाया गया है। बिल्कुल, इस पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस FIR में धाराएं कौन कौन सी लगाई गई है, क्या कोई ऐसी भी धारा है जो गैर जमानती है और ये नेताओं की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्या इस संबंध में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी गई है, उसमें धाराओं का जिक्र जो है नहीं किया गया। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि ये जो 9 लोग हैं इनके ऊपर जो है फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया और इनके ऊपर जो है फिलहाल चलिए तो फिलहाल पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की कि कौन कौन सी धाराएं इनके खिलाफ लगाई गई है। हालांकि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। स्पर्श, बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज भाजपा MLC उम्मीदवार अपना नामांकन करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, आज भाजपा MLC उम्मीदवार नामांकन करेंगे। और स्वतंत्र देव सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधे लिए चलते हैं। ये मंत्री, इसमें मंत्रियों का नामांकन है, 2 इष्टा कार्यकर्ता, एक उत्साह राज्य के अंदर है,
कि सभी का ध्यान दिया जा रहा है, सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान दिया जा रहा है और एमएलसी बनकर जनता की सेवा करेंगे, जनता जनार्दन को खुशहाल रखेंगे, लोगों की सेवा करें। इसीलिए आज भव्य कार्यक्रम है, नामांकन है, अभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने पुराने कार्यकर्ताओं का पार्टी ध्यान रखती है, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है, सभी का ध्यान रखते हैं कार्यकर्ता, जनता सभी का ध्यान रखते हैं हम सब। अच्छा एक एक सवाल है, अखिलेश 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 यादव जो सहयोगी दल थे नाराज है क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है, गठबंधन में टूट रहे हैं, कई गठबंधन टूट रहे हैं। सपा कोई दल है क्या? वो वंशवाद की पार्टियां। तो एक बड़ा बयान स्वतंत्र देव सिंह जो योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने ये बयान दिया कि सपा कोई दल है क्या। वहीं आपको बता दें कि आज 9 भाजपा एमएलसी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, इसे लेकर उन्होंने सभी को बधाई दी है। और सीधा हम लखनऊ का ही रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी अनुप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुप, आज भाजपा एमएलसी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी इस पूरे नामांकन को लेकर के की गई है, कौन कौन से बड़े चेहरे इस दौरान प्रत्याशियों के साथ नजर आएंगे? देखिए इस वक्त भाजपा कार्यालय पे एक उत्सव का जैसा माहौल है, कुछ तस्वीरें दिखाने कोशिश करूंगा। आज सुबह से ही जो भाजपा जो उम्मीदवार हैं, खासकर जो 7 वर्तमान में मंत्री हैं, मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर दानिश अंसारी हो या फिर जेपीएस राठौर हो या फिर दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु हो, लगातार जब सबको पार्टी कार्यालय में बुलाया गया था उसके बाद कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था वो लगातार उमड़ रहा था। और जगह आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से माहौल है। अभी स्वतंत्र देव सिंह से बात हो रही थी, उनका कहना था एक जो नामांकन है वो उत्सव की तरीके से है, जो कार्यकर्ताओं में जो खुशी है, कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। खासकर वो विपक्ष पर भी निशाना साध रहे थे, उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी वंशवाद की पार्टी, यही वजह है कि वहां पर कलह मच चुकी है, जो गठबंधन बना था वो टूटने की कगार पे है। तो निश्चित रूप से स्वतंत्र देव सिंह निशाना साध रहे थे विपक्ष पर, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 9 प्रत्याशियों को चुना है इसमें जातिगत समीकरण यानी सभी वर्गों को मौका दिया गया है। अभी थोड़ी देर में यहां से सभी लोग जो नामांकन करेंगे वो विधानसभा की तरफ पैदल यहां से जाएंगे, 9 नंबर गेट से वहां पहुंचेंगे, उसके बाद फिर वहां पर नामांकन करेंगे। तो ये माहौल है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का, ये महिला मोर्चा के भी देखो जो लोग हैं ये देखो यहां पर किस तरीके से यहां पर नामांकन है, किस तरीके से आप लोग उत्सव तरीके से मना रहे हैं। जी हम लोगों के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है, और आज हमारे बहुत सारे जो परिषद में आए हैं एमएलसी बने हुए हैं हमारे वरिष्ठ लोग, और आज हमारे लिए एक जश्न का माहौल है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे सारे प्रत्याशियों के लिए, और सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये देखें इस तरीके से जब माहौल बनता है तो निश्चित रूप से हौसला अफजाई होता है, वो चाहे प्रत्याशी हो या खेल का मैदान हो। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोई भी जो कार्यक्रम करती है या फिर यूं समझिए कि वो नामांकन या फिर प्रत्याशियों का चयन की प्रक्रिया होती है, तो इसी प्रकार से जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित होते हैं। बिल्कुल, मुझे आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बस थोड़ी देर में प्रत्याशी यहां पर पहुंचेंगे, बड़े चेहरों के साथ नामांकन भरा जाएगा, नामांकन भरने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसके तहत क्या पार्टी ने कोई और प्रोग्राम भी आज डिजाइन किया है, क्या किसी तरह की बैठक भी हो सकती है पार्टी की तरफ से? देखिए नामांकन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फिर जो 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 7 मंत्री हैं वो चूंकि पहले से मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, उसके बाद चूंकि जो नामांकन के बाद एक बैठक जरूर बुलाई जाएगी जिसमें सबकी जिम्मेदारी तय होगी। 2024 की जो चुनाव के देखते हुए जिस तरीके से जाति समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने फिट किए हैं, निश्चित रूप से लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहे कि इस उत्सव के बाद जो जिनकी जिम्मेदारी जिन प्रत्याशियों को दी गई उनको निभाने का मौका मिले, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2024 को लक्ष्य मान के चल रही है, वो चाहे विधान परिषद में नामांकन की प्रक्रिया हो या जो लोग चुने गए हो या फिर अभी राज्यसभा जाने की जो एक मुहिम छिड़ी, जो प्रत्याशी चुने गए थे राज्यसभा भेजे गए हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दूरगामी सोच रखती है, निश्चित रूप से 2024 का लक्ष्य है। अभी जिस तरीके से बात हो रही थी 2024 को एक लड़ाई मानते हुए अभी से तैयारी चल रही है, तो
उसके बाद जिस तरीके से जिम्मेदारी तय की गई है, अब विधान परिषद में 7 मंत्री जो जा रहे हैं, उसके बाद दूसरा जिस तरीके से लखनऊ शहर अध्यक्ष मुकेश शर्मा का नाम सामने आया, मुकेश शर्मा प्रत्याशी है, राजनाथ सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं, और जब 2022 का चुनाव था तो उनके जिम्मेदारी कहीं ना कहीं यहाँ लखनऊ में बिल्कुल, तो काफी जो करीबी है आलाकमान के वो भी इस दौड़ में शामिल है। अनुप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि आज भाजपा एमएलसी उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। 9 भाजपा एमएलसी प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे, जिनकी बाइट भी हमने आपको सुनाई। साफ तौर पर कहा कि प्रत्याशियों में उत्साह है, वहीं विपक्ष पर भी जमकर इस दौरान उन्होंने निशाना साधा। नामांकन से पहले भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं बीजेपी प्रत्याशी, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और थोड़ा ही वक्त और रह गया है जब तमाम प्रत्याशी विधिवत अपना नामांकन दाखिल करेंगे पार्टी के बड़े चेहरों के साथ। उनका आशीर्वाद देते हुए नामांकन भरने जा रहे भाजपा के 9 एमएलसी प्रत्याशी आज लखनऊ में, और बीजेपी कार्यालय से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। सभी इन प्रत्याशियों को बधाई दे रहे हैं, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंची हुई है। तमाम तैयारी नामांकन को लेकर पूरी कर ली गई है और अब से थोड़ी देर में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला भी लखनऊ बीजेपी कार्यालय में शुरू हो चुका है। बड़े चेहरे के पहुंचने का इंतजार है, जब बड़े चेहरे पहुंचेंगे तब विधिवत नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। और इस बीच कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, हयात के खातों में 51.5 करोड़ का लेन देन हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, हयात के खातों में 51.5 करोड़ का लेन देन हुआ है। 4 बैंक खातों में लेन देन मिला है। संगठन के नाम पर बैंक खाते चल रहे थे और हयात को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी हो रही है और पदाधिकारी जो है वो कतरा रहे हैं पुष्टि करने में। खाड़ी देशों से पैसा आने का अनुमान है। 3 खाते निजी बैंक में है और एक पंजाब नेशनल बैंक में पिछले 3 सालों से संचालित है और मोटी रकम इसमें आई है। एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो अधिकारी इस मामले में कुछ भी पुष्टि करने से बच रहे हैं क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला है ये। 3 खातों की जानकारी मिली जिसमें करोड़ों का लेन देन हुआ है और पिछले 3 सालों में ये रकम आई है और अंतर्राष्ट्रीय तार भी इसके जुड़ सकते हैं। और सीधे हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। अभिनव, काफी हाई प्रोफाइल ही मामला नजर आ रहा है क्योंकि जो खाते मिले हैं 3, इसमें ये जानकारी मिल रही है कि बाहर से इसमें जो है करेंसी वो भेजी गई है। क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले की जांच में पता चला है और अधिकारियों ने क्या औपचारिक तौर से अब इसकी पुष्टि कर दी है या फिर अब भी बच रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एटीएस की जांच में 4 बैंक खाते हयात के संगठन के मिले हैं। हालांकि अधिकारी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि संगठन के नाम पर बाबूपुरवा स्थित एक निजी बैंक में जुलाई 2019 में एक बैंक खाता खोला गया था और 30 जुलाई 2019 को इस बैंक खाते में 3,54,00,000 रुपए की रकम आई थी। सितंबर 2021 में इस बैंक खाते से 98,00,000 रुपए निकाले गए थे। 1,27,00,000 अभी भी इस बैंक खाते में है। वहीं 2 बैंक खाते और मिले हैं, एक कर्नलगंज और एक बेकनगंज। ये दोनों बैंक खाते भी निजी बैंक में है और ये काफी पुराने हैं। हालांकि पिछले 3 सालों में इनमें 48 करोड़ रुपए की रकम आई और अब इस बैंक खाते में सिर्फ 12,00,000 रुपए बचे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी रकम का क्या हुआ और कहां गई। एक बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में भी मिला है लेकिन उसमें ज्यादा लेन देन नहीं है, उसमें बहुत कम ट्रांजेक्शन है। तो आशंका यह जताई जा रही है कि जो लोकल स्तर पर चंदा आता होगा उसके संगठन को, उसके लिए बैंक खाता खोला गया है। पुलिस पूरी तरह से जांच का दायरा बढ़ा चुकी है, एटीएस जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। कल कोर्ट में हयात जफर आसमी की रिमांड के लिए अर्जी डाली गई थी, आज उस पर सुनवाई होनी है और जैसे ही उसकी रिमांड पुलिस को मिलती है उससे सबसे पहले इन बैंक खातों के विषय में ही जानकारी ली जाएगी। एक बात और आपको बता दूं कि जब सीएए हिंसा हुई थी उसमें भी हयात जफर आसमी को आरोपी बनाया गया था लेकिन पुलिस ने उसको उस पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी थी। अब पुलिस उस मामले की दोबारा जांच कर रही है क्योंकि ये इसी बीच का मामला है जब इतनी बड़ी रकम उसके संगठन के खाते में आई। तो अब सीएए हिंसा में भी उसकी फाइल दोबारा खोली जाएगी और इस मामले में भी ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम जो आई है वो किन मामलों में कहां पे इस्तेमाल की गई। कहीं देश विरोधी गतिविधियों में तो इनका इस्तेमाल नहीं हुआ, एटीएस इस पर जांच कर रही है। हालांकि अधिकारी पुष्टि नहीं की है लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि 51.5 करोड़ रुपए की रकम पिछले 3 सालों में हयात के संगठन के बैंक खातों में आई है। बिल्कुल अभिनव, और इंटरनेशनल फंडिंग क्यों हुई ये कहीं ना कहीं अब जो परत है वो धीरे धीरे साफ होती जा रही है। अभिनव आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मास्टरमाइंड का जो मुख्य आरोपी है जफर, उसकी रिमांड पर आज फैसला आने वाला है, कब तक ये फैसला आएगा, क्या जानकारी, और जफर के अलावा क्या और भी आरोपी है जिनके रिमांड पर आज ही फैसला आ सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हयात जफर आसमी के साथ 3 और आरोपियों की पुलिस ने रिमांड मांगी है।
लेकिन अब से कुछ ही देर में कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी फैसला तभी होगा। रिमांड पुलिस को मिलते ही हयात से पूछताछ शुरू हो जाएगी और हयात के साथ ही साथ अब उसकी पत्नी और बहन को भी जांच के दायरे में लिया गया है, क्योंकि ये जो बैंक के खाते थे, ये जो संगठन था, ये हयात अपनी पत्नी और बहन के साथ ही मिलकर संचालित कर रहा था। जी बहुत शुक्रिया अभिनव आपको इस तमाम जानकारी के लिए, आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते आगे और बात करेंगे बड़ी खबर की, ग्रेटर नोएडा में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। मुआवजे की मांग को लेकर यह महापंचायत होगी। एयरपोर्ट की जमीन का मुआवजा कम मिलने का दावा किया जा रहा है और किसानों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत में शामिल होंगे। किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता प्रणेता राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। आज ग्रेटर नोएडा में आज किसानों की महापंचायत हो रही है। दरअसल एयरपोर्ट जब किसी भी जमीन का अधिग्रहण करती है और वहां पर यदि आसपास कोई खेत खलिहान या फिर कोई रिहायशी इलाका है जो कि एयरपोर्ट अपनी भूमि के तौर पर उसे खरीदती है, तब मुआवजा दिया जाता है, विधिवत मुआवजा होता है और निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, किसानों की मांग लगातार ये बनी हुई। इसके अलावा किसानों को सर्किट रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए, ये भी मांग है। 6 गांव के किसानों ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने से मना किया। 6 गांव के किसान ऐसे जिन्होंने जमीन देने से मना किया, जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीनें देने के बदले भूखंड दिए जाने की मांग की। निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिए जाने की मांग की। तो किसानों की ये प्रमुख मांगे हैं जिनके आधार पर वो लगातार जो अथॉरिटीज है उससे संपर्क में है। और इसके अलावा आपको बता दें मांग पूरी नहीं होने पर आज महापंचायत हो रही। हमारे सहयोगी अमर सैनी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमर, किसानों की मांगे लगातार बनी हुई है कि निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, इसके अलावा और कौन कौन सी प्रमुख मांगों के साथ आज महापंचायत होगी? राकेश टिकैत कब तक पहुंचेंगे? क्या कुछ पूरा प्रारूप इस महापंचायत का आज रहने वाला है? अमर, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज राकेश टिकैत जो है अपने गांव के सोली से निकल चुके हैं। उनका काफिला जो है वो अपने गांव से निकल चुका है और जेवर कुछ ही घंटों में जेवर एयरपोर्ट पहुंचेगा। वहां उनकी आज महापंचायत होनी है। सैकड़ों में जो है किसान वहां मौजूद रहेंगे। 81 गांव के जो किसान है वहां आज मौजूद रहेंगे। महापंचायत होनी है, काफी मुद्दों पर बात होगी, काफी चर्चा होगी। जो उनकी जो मांगे हैं मुख्य मांगे हैं उनको बात होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं जो आपने बताया मुआवजे की बात भी होनी है और लगातार जो ऐसे उनके मुद्दे चल रहे हैं और लगातार जो किसानों पे जो शोषण किया जा रहा है किसानों का उस पर भी लेके आज से राकेश टिकैत जो है चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो तमाम मांगों के साथ आज महापंचायत होने जा रही है। बहुत शुक्रिया अमर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी को फिर से तैयार करने का प्रयास कर रही बसपा प्रमुख मायावती ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। ऐसा ही एक फैसला आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव को लेकर लिया है। उनकी तरफ से उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम शामिल नहीं है। बसपा में मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा को नंबर 2 माना जाता है। ऐसे में उनका ही स्टार प्रचारक लिस्ट से गायब होना कई सवाल खड़े कर गया है। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के लिए पार्टी की तरफ से कुल 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। खुद मायावती भी मैदान में उतर प्रचार करने जा रही हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर इस बार प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को रखा गया है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा को स्टार प्रचारक की सूची से बाहर रखा गया हो। इससे पहले पार्टी ने जब भी कभी किसी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम की तैयारी की है तो उसमें सतीश चंद्र मिश्रा का होना लाजमी रहा है। यूपी चुनाव के दौरान भी मिश्रा के पास ही सारी अहम जिम्मेदारियां थी। फिर चाहे पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन करने की बात हो या फिर आरक्षित सीटों पर माहौल बनाने का प्रयास रहा हो, हर जिम्मेदार के लिए सतीश चंद्र मिश्रा को चुना गया। मायावती ने भी सबसे ज्यादा अपने इस वरिष्ठ नेता पर भरोसा जताया। आज गंगा दशहरे का पर्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि आज ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इस पर्व पर श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के सभी घाटों पर सुबह से गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। हरिद्वार में गंगा नदी के घाट पर लाखों भक्तों ने गंगा स्नान किया। वहीं वाराणसी, प्रयागराज और हापुड़ जिले में भी श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। ये 3 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने हैं। संगम नगरी वाराणसी, हरिद्वार, हापुड़, ये तस्वीरें सामने आई जहां गंगा दशहरे पर आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आए। और कोविड काल के बाद ऐसा 2 सालों के बाद लगभग हो रहा है जब घाटों पर स्नान करने की अनुमति जिला प्रशासन ने भक्तों को दी है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बल्कि दूरस्थ जो राज्य है वहां से भी भक्त यहां पर अपनी मनोकामना लेकर गंगा मां के चरणों में आते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।